ज़्यादा हाइड्रेशन चेहरे के ऊपर आ गया है, चेहरा इतना सॉफ्ट हो गया है कि मुझे अब मॉइस्चराइज़र लगाने की भी ज़रूरत नहीं है। भाई दिवाली में सिर्फ आपने ही शॉपिंग नहीं करी, शॉपिंग मैंने भी करी है और आप यहाँ पे आज देख पा रहे हैं मेरा पूरा का पूरा बैकग्राउंड चेंज हुआ है। तो ये सब मैं आपको शेयर करने वाली हूँ अपने व्लॉग चैनल पर। बस अपने घर को इन्वेट कर रही हूँ गाइस, तो उसमें ना मैंने कुछ चीज़ें मंगाई हैं, बाई करी हैं और सब कुछ आपको मैं शेयर करूँगी अपने व्लॉग चैनल पर। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ। हालांकि मैं बहुत दिन से एक्टिव नहीं रह पा रही हूँ, आप सभी को पता है कि समद की वजह से, यानी जो छोटा बेबी है ना मेरा, उसकी वजह से मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिल पा रहा है। बट फिर भी अब मैं कोशिश करने वाली हूँ आप सभी के लिए बढ़िया बढ़िया से व्लॉग लाने की, ठीक है। तो आप सभी लोग उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, वहां पे देखना बहुत ही अमेजिंग व्लॉग आपको मिलने वाले हैं। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं गाइस, और आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ इतनी अमेजिंग रेमेडी जिसको लगाने के बाद आपकी स्किन की ड्राइनेस हो, आपके चेहरे का कालापन हो, आपके चेहरे पे दाग धब्बे हो, पिगमेंटेशन हो, या सर्दियां आते ही आप घबराना शुरू कर देते हो कि भाई अब तो मेरा चेहरा काला पड़ जाएगा, तो ये सारी प्रॉब्लम आपकी बिल्कुल नहीं होने वाली है और इसमें आपका खर्च भी बिल्कुल नहीं होने वाला। यानी जीरो कॉस्ट में एक ऐसी रेमेडी मैं आपको बता रही हूँ जो कि अमेजिंग रिजल्ट आपको देगी हर तरह की प्रॉब्लम के ऊपर। तो आज का वीडियो बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है और आप सभी के लिए इस सर्दियों में ये बहुत ही मैजिकली साबित होने वाला है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, पता नहीं चल पाता कि भाई आपको मेरा वीडियो पसंद आया है कि नहीं आया। और जो लोग चैनल को पहली बार देख रहे हैं, मेरा नाम है दिगार और खूबसूरत रेमेडी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाले वीडियोज़ आपसे मिस ना हो। चलो जी, तो मैंने यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें अपने पास रखी हुई है, बारी बारी से हम देखते हैं कि किस तरह से हमको लगाना है इसको, किस तरह से हमें बनाना है ये रेमेडी। उसके लिए सबसे पहले यहाँ पे मैंने लिया है बोल, ठीक है। एक खूबसूरत सा बोल उठाइए और उसमें अपनी बेहतरीन खूबसूरत सी रेमेडी हम तैयार करेंगे। यहाँ पे हमें फर्स्ट इंग्रेडिएंट चाहिए गाइस, नारियल का तेल। ये देखो आप, ये है मेरे पास पैराशूट कोकोनट ऑयल और ये अब ख़त्म भी होने वाला है। मैंने अभी तक इसको इतना लगा लिया गाइस, यानी मैं डेली पैराशूट कोकोनट ऑयल को ज़रूर अपनी स्किन के ऊपर लगाती हूँ ताकि सर्दियों में मेरी स्किन हमेशा ग्लो करती रहे, ठीक है। तो यहाँ पे नारियल तेल आपकी बुझी हुई स्किन के ऊपर, ड्राई स्किन के ऊपर, डल स्किन के ऊपर बहुत ही मैजिकली वर्क करता है। साथ ही साथ जिन लोगों को दाग धब्बे की प्रॉब्लम है, जिनकी स्किन एज करने लगती है या फिर सर्दियाँ आते ही उनके चेहरे पर झुर्रियाँ उभर कर दिखने लगती हैं, आईज एरिया उनका ब्लैक होने लगता है, डार्क सर्किल की प्रॉब्लम है, यानी आप ये समझो कि आपकी स्किन से रिलेटेड जितने भी इश्यू हैं ये उनको क्योर करता है, बहुत ही अच्छा है। और सबसे अच्छा, हाइड्रेशन बहुत ज़बरदस्त लेकर आता है, यानी इसके इस्तेमाल से हमारी स्किन बिल्कुल ड्राई नहीं होती है, ठीक है। तो यहाँ पे पैराशूट कोकोनट ऑयल का इस्तेमाल मैं कर रही हूँ, अगर आपके पास है तो आप कर सकते हो, अगर आपके पास एक्स्ट्रा वर्जिन है तो उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। ज़्यादा नहीं ज़रूरत है, सिर्फ एक चम्मच पैराशूट कोकोनट ऑयल हम यहाँ पे लेंगे गाइस। और इसके बाद अपना सेकेंड इंग्रेडिएंट हम इसमें ऐड करेंगे, रॉ मिल्क यानी कच्चा दूध, जो कि आपकी स्किन की इलास्टिसिटी के लिए बहुत अच्छा है। मैं आपको बताऊं, अगर आप ये चाहते हो कि सालों साल आप जवान रहो, आपके चेहरे पे एज ना नजर आए, या फिर आप ये चाहते हो कि जल्दी से झुर्रियाँ ना आए, आपका कॉम्प्लेक्शन हमेशा फेयर रहे, तो आप कच्चे दूध का इस्तेमाल करो। ये मैं इस्तेमाल करती आ रही हूँ, मैंने कई सारे वीडियो में बताया गाइस कि मैं ना कच्चे दूध को तकरीबन 15 साल की एज जब थी मेरी तब से मैं लगा रही हूँ, आज तक मेरी स्किन बहुत ही ग्लो करती है, बहुत ही फेयर रहती है, कभी भी कालापन नहीं आता है, ठीक है। तो यहाँ पे कितना कच्चा दूध लेना है आपको, तकरीबन एक चम्मच, ठीक है, एक चम्मच नारियल तेल और एक चम्मच के बराबर आपको कच्चा दूध लेना है। इसे हम एक बार के लिए बना रहे हैं, इसे हम स्टोर नहीं करेंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे हमने कच्चा दूध ले लिया। थर्ड इंग्रेडिएंट आपको यहाँ पे लेना है लेमन जूस, नींबू का रस। देखो इस तरह से लगाओगे जैसे मैं बता रही हूँ, तो आपको कतई कतई कोई हार्म नहीं होगा, बट अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है तो एक बार आप पैच टेस्ट कर लेना। और गैर अपना जो मिथ है ना, इसको तोड़ने की कोशिश करो, मैं इसका भर भर कर इस्तेमाल करती हूँ गाइज, और यकीन मानिए ये बहुत ही मैजिकली आपकी स्किन से कालेपन को हटाता है। क्या आप जानते हैं कि नींबू के अंदर एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज भी है, ये आपके चेहरे की झुर्रियों को भी हटाता है, ये आपके चेहरे पे आए हुए जमा हुए मैल की परत को काटता है, ये आपके चेहरे पे स्किन वाइटनिंग रिजल्ट लेके आता है और जिद्दी से जिद्दी गहरे काले भूरे धब्बों को ये खत्म करता है। मतलब इतना मैजिक है नींबू के रस के अंदर, तो आप लोग जरूर मेरे कहने से एक बार ट्राई करना, ठीक है। और सेंसिटिव स्किन है तो पैच टेस्ट कर लेना, नहीं बाद में बोलोगे निगार हमारे स्किन के ऊपर रेडनेस हो गई। तो यहाँ पे क्या करना है कि आपको थोड़ा सा नींबू का रस, कितना लेना है, फ्यू ड्रॉप्स लेना, ज़्यादा आपको नहीं लेने की ज़रूरत है, फ्यू ड्रॉप्स नींबू का रस आपको इसके अंदर ऐड कर देना है, ठीक है।
यहाँ पे अब फोर्थ इंग्रेडिएंट हम जो ऐड करेंगे गाइस वो है वाइल्ड टर्मरिक। देखो मेरे पास ये हमेशा कस्तूरी हल्दी रहती है, तकरीबन मुझे इसको 6 मंथ होने वाले और अभी भी ये इतनी सारी है, ये जल्दी से खराब भी नहीं होगी। आपकी स्किन के लिए है ये, आपकी स्किन के ऊपर गोल्डन ग्लो लेकर आती है, आपकी स्किन को कील मुहासों से सेफ रखती है, यानी आपके चेहरे पे दाने नहीं होते हैं, आपके चेहरे पे रेडनेस नहीं आती, आपके चेहरे पे निखार आता है इसके इस्तेमाल से। किचन हल्दी ना इस्तेमाल कर लेना, ठीक है। हमेशा कहती हूँ कि भाई आपकी स्किन के लिए जो है वो वाइल्ड टर्मरिक है और आपके घर में जो खाने के लिए है वो किचन वाली हल्दी है, ठीक है। तो आप क्या करो कि वाइल्ड टर्मरिक का बाय लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वहां से जाकर आप इसको बाय कर सकते हो। अगर आपके पास गांठ वाली हल्दी है तो उसका रस भी आप इसके अंदर डाल सकते हो। तो कितना डालना है, 1 pinch of यहाँ पे हम सिर्फ लेंगे वाइल्ड टर्मरिक, इससे ज्यादा हमें नहीं लेनी है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे जो इंग्रेडिएंट हम ऐड करने वाले हैं ये सर्दियों के लिए हमारे लिए बहुत ही मैजिकली काम करता है गाइस। आप इसको लगा कर देखो, अगर आपके चेहरे पे झुर्रियाँ हैं, अगर आपके चेहरे पे ग्लो नहीं है, आपकी स्किन के ऊपर शाइन नहीं है, आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई दिखती है, फेस वॉश करते हो जब चेहरा धोते हो तो आपकी स्किन फटी फटी सी दिखती है, ये वो ख़त्म करती है। ये वो रामबाण चीज़ है गाइस जिसका मैं इस्तेमाल करती हूँ, ये है ग्लिसरीन, ठीक है। आपको क्या करना है, तकरीबन आधा चम्मच ग्लिसरीन की आप इसके अंदर ऐड कर दोगी, ये आपकी स्किन को हाइड्रेशन प्रोवाइड करती है, ठीक है। तो आपको आधा चम्मच ग्लिसरीन लेनी है और लास्ट में एक यहाँ पे स्पेशल इंग्रेडिएंट मैं आज ऐड कर रही हूँ, ये है रोज हिप ऑयल। ये ना गाइज आपके चेहरे के ऊपर इतना ग्लो लेकर आता है, इतनी शाइन लेकर आता है, इतना हाइड्रेशन दे देता है कि आप यकीन नहीं करोगे इसका इस्तेमाल करने के बाद आपका चेहरा कितना ज़्यादा ग्लो करता है, ठीक है। तो रोज हिप ऑयल का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहाँ से बाय करके इसको रख लो गाइस। अब पूरी सर्दियाँ इस्तेमाल करो, गर्मियों में मतलब हर मौसम में इस्तेमाल करो, यहाँ तक कि आप इसको अगर मेकअप करने से पहले कुछ बूंदे अपने चेहरे पर लगा देती हो तो आपका चेहरा एकदम से ग्लो करना शुरू कर देता है और इसके इस्तेमाल से आपकी स्किन एकदम सपल रहती है, एकदम ग्लोई रहती है, एक मक्खन जैसी सॉफ्ट स्किन आपको मिलती है इसके इस्तेमाल से, ठीक है। तो बहुत ही फेवरेट इंग्रेडिएंट है मेरा जो कि आज मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ गाइज। और आपको कितना इसके अंदर ऐड करना है, सिर्फ और सिर्फ फ्यू ड्रॉप हम इसके अंदर ऐड करेंगे, ज्यादा हम नहीं डालेंगे गाइज, सिर्फ फ्यू ड्रॉप ही हमें इसके अंदर ऐड करनी है, 3, 4, 5, 6, 7 बस इतनी ड्रॉप काफी है। हमें सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेना है, ठीक है। ये देखो जब हम इस तरह से मिक्स करेंगे ना तो ये कुछ इस तरह का लिक्विड फॉर्म में हमारा बन जाएगा, जो कि हमारे चेहरे पे दाग धब्बे हो, चाहे पिगमेंटेशन के निशान हो, चाहे आपकी स्किन सर्दियां आते ही बहुत ज्यादा ड्राई हो जाती है, चेहरे का ग्लो निखार खत्म हो जाता है, रंगत काली फीकी पड़ जाती है, या फिर आपके चेहरे पे झुर्रियां ही क्यों ना दिखने लगी हो, उसके लिए बहुत अच्छा है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं अपने फेस को क्लीन करती हूँ, उसके बाद ये कैसे लगाना है ये आपको बताती हूँ। जी मैंने अपने फेस को साफ कर लिया है और यहाँ पे मैंने लिया है कॉटन और इसकी मदद से हम इसे अपने चेहरे पे लगाएंगे, ठीक है। सबसे पहले आप अपने चेहरे को जरूर साफ कर लेना गाइस, क्योंकि जब हम आप ये वाली रेमेडी अपने स्किन के ऊपर लगाओगे तो आपके पोर्स के अंदर जानी चाहिए और एब्जॉर्ब होनी चाहिए, ठीक है। तो कॉटन की मदद से अच्छी तरह से लगाओ, अगर आप जो है नेक एरिया पे लगा सकती हो वहाँ पे लगाओ। ये रेमेडी आप ना दिन में भी लगा सकती हो, रात में भी लगा सकती हो, बट इसको लगाने के बाद आपको सोप या फिर फेस वॉश लगाने की कतई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो बहुत अच्छी तरह से आंखों के चारों ओर इस तरह से आप लगाइए इसको, ठीक है। और जहाँ पे आपको निशान है ना उस जगह पे रबिंग करते हुए इस तरह से गोल गोल घुमाते हुए आप अपने चेहरे पे इसको लगाओ, ठीक है। तो ये देखिए बहुत ही अच्छा हाइड्रेशन आपकी स्किन के ऊपर आएगा इससे और चेहरा आपका ग्लो करने वाला है, ठीक है। ये आपने लगा लिया और लगा के हम इसको तकरीबन 1 घंटे के लिए छोड़ेंगे, ठीक है। तब तक आप अपना जो भी काम है वो करते रहो और इसको लगाकर 1 घंटे के लिए छोड़ दो, तो मैं आपको 1 घंटे बाद मिलती हूँ। 1 घंटा हो गया है गाइज और आपको क्या करना है, अब हल्के हाथों से इसको मसाज देना है, आपको पूरे चेहरे पे अच्छी तरह से मसाज कीजिए, चाहे वो आपका नेक एरिया हो, चाहे आपके हाथ पैरों के ऊपर भी इसको आप लगा सकती हो। अच्छे से सर्कुलर मोशन में इसको आपको इस तरह से मसाज देना है, ठीक है। मसाज से क्या होगा, मैं बहुत बार आपको बताती रहती हूँ कि स्किन एक तो टाइट रहती है, स्किन फॉर्म रहती है और जल्दी से झुर्रियाँ नहीं आती हैं, स्किन सैग नहीं होती है, ठीक है। तो मसाज देना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है स्किन के ऊपर,
इस तरह से हल्के हाथों से गोलाई में सर्कुलर मोशन में मसाज कीजिए। यहाँ पे ये 2 मिनट 3 मिनट का मसाज करने के बाद आप इसको लिक्विड वाटर यानी आप इसको गुनगुने पानी के साथ वॉश कर लोगी, ठीक है। तो मैं जल्दी से वॉश करके आती हूँ और फिर आपसे मिलती हूँ। फेस को यहाँ पे मैंने वॉश कर लिया है गाइज। अब आपको क्या करना है कि टॉवल से लेकर आप अच्छे से अपने चेहरे को थपथपाते हुए सुखा लो, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जैसे ही मैंने इस रेमेडी को लगाया गाइज, अब स्किन इतना ग्लो कर रही है, इतना ज़्यादा हाइड्रेशन चेहरे के ऊपर आ गया है, चेहरा इतना सॉफ्ट हो गया है कि मुझे अब मॉइस्चराइज़र लगाने की भी ज़रूरत नहीं है। मतलब ये रेमेडी इतना ज़्यादा वर्किंग है कि जैसे ही आप अपनी स्किन के ऊपर इसको टच करते हो, वैसे ही आपकी स्किन सॉफ्ट होना, सपल होना स्टार्ट हो जाती है और अंदर तक यानी आपकी स्किन की डीप लेयर तक ये जाकर पेनिट्रेट होता है और स्किन को ग्लो से भर देता है। ये मेरा खुद का आजमाया हुआ नुस्खा है गाइस, जिसको मैं हमेशा ट्राई करती हूँ। सर्दियों भर मेरी स्किन की रंगत फीकी नहीं पड़ती है, स्किन डल नहीं होती है, स्किन बेजान नहीं लगती है, रूखी सूखी नहीं होती है। और अगर आपके चेहरे पे भी ऐसे ही प्रॉब्लम के साथ साथ दाग धब्बे पिगमेंटेशन है ना, तो इसको आप सभी लोग ट्राई कर लेना, ट्राई करना, रिजल्ट शेयर करना। यहाँ पे समद ना अपने पापा के साथ हैं और वो रो रहे हैं, उन्हें मम्मा चाहिए। तो मैं जा रही हूँ समद के पास और आप लोग सभी लोग इस रेमेडी को ट्राई करके आओ। जल्दी से मुझे बताओ कि ये रेमेडी कैसी लगी आपको। उम्मीद करती हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके जाना ताकि ऐसे ही वीडियो जब भी आए आप उनको मिस ना करें और घर बैठे उनका फ़ायदा उठा पाएं। और ज़्यादा से ज़्यादा यार शेयर कर दिया करो, क्योंकि मुझे आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। आपके सपोर्ट के बिना मैं कुछ नहीं कर सकती। तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। टेक केयर, बाय। इनको मैं देखती हूँ और फिर आपके साथ नेक्स्ट व्लॉग शेयर करती हूँ।